देखो आज हम करेंगे यूज ऑफ कैन। देखो कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, टेंस के लास्ट में, सकता है, सकते हैं, सकती हो, ये तीन ही शब्द मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्या? सकता हूं, सकते हैं, सकती हो, ठीक, तीन ही टेंस के लास्ट में, ठीक। वहां पे हम क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं एक दो, मैं जीत सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, ठीक, सकता हूं आ गया लास्ट में, क्या, सकता हूं, सकता हूं, ठीक। तुम खाना बना सकती हो, देखो लास्ट में क्या आ गया, सकती हो, सकती हो, ठीक। तो क्या करोगे, ऐसे जब टेंस मिलेंगे, मैं जीत सकता हूं, तुम खाना बना सकती हो, लास्ट में सकता हूं, सकती हो अगर आ जाए, तो तुम यूज किसका करोगे, कैन का, ठीक। और इसमें तीन कंडीशन होती हैं, कैन का यूज करोगे तो देखना, एक इसमें पावर के लिए कैन का यूज होता है, ठीक, और एबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए कैन का यूज होता है, और कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए कैन का, इसका मतलब शक्ति, शक्ति के लिए, एबिलिटी योग्यता, और यस, ठीक, और कैपेसिटी क्षमता। अब देखो, मैं जीत सकता हूं, तुम खाना बना सकती हो, मैं 10 गिलास दूध पी सकता हूं, क्या, तो ये मेरी क्या है, क्षमता है मेरी, मैं 10 गिलास दूध पी सकता हूं, ठीक। ये ऐसे ही टेंस मिलेंगे, पावर पे, शक्ति पे मिलेंगे, एबिलिटी पे मिलेंगे, ये और कैपेसिटी पे मिलेंगे, ठीक है, वो आगे हम बनाएंगे, इधर वो बताएंगे, ठीक। इन तीन कंडीशनों में कैन का यूज करते हैं, इन तीन कंडीशनों में कैन का यूज करते हैं, ठीक। अब देखो इधर, मैं जीत सकता हूं, टेंस तो अब तुम पहचान लोगे ना, लास्ट में सत्ता हूं, सकती हो, सकते हो, ठीक, आ जाए तो तुम किसका यूज करोगे, कैन का, ठीक। अब इन्हें हम बनाने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिख लो, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, अगर हो तो अदर वर्ड, अदर वर्ड, ठीक, ये वाला, ये स्ट्रक्चर लिख लेना, इसी के हिसाब से सारे टेंस बन जाएंगे। देखो अब बनाते हैं हम, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, लगेगा कैन ही, यूज किसका होगा, कैन ही, ठीक। अब देख लेना, यही वाला बना देते हैं, मैं जीत सकता हूं, अब इसे बनाओ, सब्जेक्ट क्या है, मैं, ठीक, पहले इधर लिख देते हैं एक चीज, ही सी इट या नाम, ये होते सिंगुलर, आई वी दे यू, ये होते हैं क्या, प्लुरल, ठीक, ये सिंगुलर, ये प्लुरल। अब देखो इधर, मैं जीत सकता हूं, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, आई लगा दो, आई जीत सकता हूं, मैं की लगा दी, आई जीत सकता हूं, आई कैन, कैन लगा दो, सब्जेक्ट लगा दिया, कैन लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जीतना की, आई कैन विन, जीतना की क्या बन गया, बस मैं जीत सकता हूं, तुम खाना बना सकती हो, ये वाला बनाओ, ये वाला पहला है, अब तुम ये वाला बना, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, अब कैन, कैन लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना की क्या होती है, कुक, बनाने की क्या होती है इंग्लिश, कुक द फूड, बस बन गया, और कुछ नहीं करना, बस इतना करना है कि सत्ता, शक्ति, सत्य मिल जाए तो कैन का यूज करना है। और एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसे हटा दे रहे हैं, तुम पार्क जा सकते हो, ठीक, तुम पार्क जा सकते हो, तो क्या करोगे, यू कैन
यू लगा दो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना की क्या होती है, यू कैन गो, कहां जाओगे, गो टू पार्क, गो टू पार्क, ठीक। और लेते हैं एग्जांपल, वे नाच सकते हैं, वे नाच सकते हैं, ठीक, वे नाच सकते हैं, तो क्या बनाओ, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे कैन डांस, सब्जेक्ट दे हो गया, कैन यहां पे लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां लगा दो, दे कैन डांस बन गया, ठीक, वे नाच सकते हैं। अब देखो और ले लेते हैं, वह क्रिकेट खेल सकता है, खेल सकता है, देखो वह क्रिकेट खेल सकता है, अब इसे बना दो, ही कैन प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही कैन प्ले द क्रिकेट, क्योंकि ही कैन प्ले द क्रिकेट, सी आर आई क्रिकेट, ठीक। ऐसे ही सारे टेंस बना दिए जाएंगे, सारे कैन का यू पहले सब्जेक्ट लो, फिर कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो ऑब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट लगा दो, अदर वर्ड हो तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं, बस ध्यान रखना तीन कंडीशन में, पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, ठीक। और ले रहे हैं एक एग्जांपल, तुम सोच सकते हो। अब देखो तुम सोच सकते हो, तो यू कैन, सब्जेक्ट यू लगा दिया, और सकते मतलब कैन का यूज करेंगे, कैन लगा दिया, सोचने की इंग्लिश क्या होती है, यू कैन थिंक बन गया, यू कैन थिंक, तुम सोच सकते हो, है? तुम पी सकते हो, तुम नहा सकते हो, ऐसे सारे एग्जांपल ऐसे ही बनते हैं, कुछ मत करो, सब्जेक्ट लगाओ, कैन लगाओ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो तो लगा दो, ठीक। मैं देखो एक एग्जांपल लगा रहे, मैं सब्जी खरीद सकता हूं, देखो अभी से बनाने के लिए क्या करें, मैं सब्जी खरीद सकता हूं, तो ठीक है, सब्जेक्ट पहले लगा दो, आई, ये सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखो, ही सी इट आई वी दे यू, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद कैन लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, तो आई के बाद क्या लगाओगे, कैन, आई के बाद कैन लगा दिया, ठीक। आई कैन खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, वाय द वेजिटेबल, क्या खरीद रहे हो, मैं सब्जी खरीद सकता हूं, तो आई कैन बाय द वेजिटेबल, लो बन गया, ठीक। ऐसे कुछ भी, कोई भी टेंस बनाओ इसका, सकता सकती सकते वाला कोई भी बन जाएगा ऐसे ही, ठीक। और लगा रहे, और नेगेटिव हो, एक चीज ध्यान रखना, नेगेटिव हो, मान लो अगर इसी का तुम जीत नहीं सकते, देखो क्या, तुम जीत नहीं सकते हो, कुछ मत करना, इस कैन के बाद सिर्फ नॉट लगा दो, क्या, इस कैन के बाद सिर्फ नॉट लगा दो और कुछ नहीं है, यू कैन नॉट, जीतना की इंग्लिश क्या होती है, विन, यू कैन नॉट विन, बट जब कैन नॉट आता है तो इसे हम कांट बोलते हैं, ठीक है, कैन नॉट ना पड़े, जब कैन के साथ नॉट आएगा तो कैन नॉट नहीं, कांट पढ़ते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि जैसे बॉज नॉट होता है, ठीक, बॉन्ट पढ़ते हैं उसे, ठीक है, और जैसे कि बिल नॉट होता है, कुछ चीजें होती हैं बिल नॉट, ठीक, तो इसे ना बिल नॉट नहीं पढ़ते, इसे इल नॉट पढ़ते हैं, क्या, इल नॉट, जैसे कैन हो गया, तो इसे कांट पढ़ते हैं, ठीक, कांट पढ़ते हैं इसे,
और ऐसे की होता है डू नॉट, और बता रहे हैं कुछ चीजें हैं डू नॉट, इसे डू नॉट नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं डोंट। ठीक, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे इनमें क्या है कुछ कुछ पढ़ने के मतलब जो हम अपने ना इंग्लिश में स्पीड बनाने के लिए इन शब्दों को ना एक उसमें सीक्वेंस में जोड़ के जल्दी से बोल देते हैं। देखो जैसे कैन को कांट बोल देंगे, डू नॉट कैन, कैन नॉट को कांट बोल देते हैं, डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, और विल नॉट को इल नॉट बोल देते हैं, ऐसे ही वॉज नॉट को वॉजेंट बोल देते हैं। ठीक है, वॉजेंट ऐसे ध्यान रखना, कुछ चीजें हैं ऐसी, ये लिख लेना, लिख लो और बता रहे हैं, रुक जाओ।